नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सुहानी जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा बेसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा का। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। सुहानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो आप? 8th स्टैंडर्ड। डेरा सच्चा सौदा में आप बचपन से आ रहे हैं? हाँ जी। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करती हैं यहाँ पे? मैं बहुत सेफ महसूस करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको मतलब किसी गलत नज़र से नहीं देखता है। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मतलब पूरे इंडिया में इन मतलब मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। सोनी जी, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं आश्रम में आने के लिए? यस बिल्कुल। वो खुद मेरे मॉम है, वो एक्सीडेंट रह चुके हैं स्कूल के, जिस पे गद गद आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल में ये गुफा है, वहाँ से लड़कियाँ जाती है। मेरे मम्मा वहाँ के एक्सीडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपकी मम्मा का क्या कहना है भी, एक्चुअली में कैसा माहौल था हॉस्टल में, फिर सच क्या है? हॉस्टल में बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ पे बिल्कुल सारी पॉजिटिव वाइब्स से नेगेटिव वाइब्स आती नहीं थी और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था। कभी भी ऐसा फील किया हुआ जहाँ आपकी मम्मा ने बताया हो, कभी अभी आपने अलग तरीके का फील किया हो? ना बना हो। जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं गुरु जी के ऊपर, सारे बेसलेस है बस। अरे क्या मिलना उन्हें ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ब्लड डोनेट करा जाता है, वो होता है, और यहाँ पे कोई भी मतलब गैर कानूनी काम नहीं है। यहाँ पे जिनको वो गुफा बता रहे थे, वो तो हमारे वो है रिजॉर्ट है, MSC रिजॉर्ट है, जहाँ पे वो गुफा दिखा रहे थे। वहाँ से अंदर जाने का रिजॉर्ट से है रास्ता, वो गुफा तो ऐसे ही पास बाय के लिए बनाई हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तेरा वास तो मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वो तो पीछे ही है। क्यों मतलब फिर इस तरीके से क्या लगता है भी, इस तरीके से क्यों दिखाया गया गुरु के बारे में? ताकि जो भी मानवता भलाई के कार्य ये सारे रुक जाए, सारे मतलब इनका पैसा ना बंद हो जाता है, जो माफिया वगैरह है इनका सारा पैसा ना बंद हो जाता है ना। फिर 3-4 सालों से अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे डेरे में नाम चर्चा होती थी वो हो रही है, सत्संग हो रहा है, जितने भी हम मानवता भलाई के कार्य करते थे वो हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं रुक रहा है। बस वो आ जाए तो और भी अच्छा लगेगा। जरूरत है उनकी सोसाइटी को, उनकी सख्त ज़रूरत है सोसाइटी को, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना तो मतलब देख लेना इस सोसाइटी का क्या हाल होने वाला है। मतलब अगर आप कहीं पे नशा करते हो, उसके लिए कोई आपके ऊपर वो नहीं लगाया गया कि यहाँ पे नहीं करना, और अगर कहीं झाड़ू लगाना है या सफाई अभियान करना है, वहाँ पे वो लगाई हुई है कि रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ पे नहीं करना, उसके लिए परमिशन नहीं पड़ती है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं अपील ये करती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दे, जितना जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल। और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा आपने सुना है, हम नहीं रुकने वाले हैं। आप पब्लिक को क्या बताओगे, आप भी एक लड़की हो, कि एक्चुअली में लड़कियों का माहौल, लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है आश्रम में, क्या अवेयरनेस आप बता? यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, यहाँ पे कोई भी आपको गलत नज़र से नहीं देखता, लड़कियों को बिल्कुल लड़कों के इक्वल समझा जाता है। और यहाँ पे गुरु जी हैं जो उनके जो जैसे स्कूल है MSG ग्लोरियस स्कूल या शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस को लेके जूडो कराटे मतलब सारी मार्शल आर्ट्स है वो वहाँ पे सिखाई जाती है, यहाँ पे गर्ल्स बिल्कुल सेफ है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो फैक्ट हैं जो आपने मीडिया के द्वारा नहीं देखे होंगे, सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। आखिर सच क्या है ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।